आज हम बात करेंगे फेक सेलिब्रिटीज के बारे में कि वो किस तरह रातों रात जो है वो फेमस हो जाते हैं। वो छोटे छोटे सेलिब्रिटीज जिन्हें आज से पहले कोई जानता भी नहीं था, वो आजकल कितने फेमस हुए हुए हैं, वो पेपराजीज की वजह से फेमस हुए हुए हैं। जी हाँ, जितने भी पेप्स हैं, आप जैसे ही देखते हैं कोई भी एक्टर जो है वो एयरपोर्ट पर आता है या कोई भी एक्टर जो है वो रेस्टोरेंट जा रहा होता है, तो उनके पीछे कैमरे की टीम आना शुरू हो जाती है और वो उनसे जो है वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो। तो वो आपको पता है कि वो सब कुछ फेक टीम है, एक पूरी कंपनी है उसकी। वो पेपराजी करके एक पूरी कंपनी है जिसने बहुत से लोगों को हायर किया हुआ है और वो लोग जो है वो हर एक्टर के पीछे भागते रहते हैं, हर एक्टर के जो है वो रेस्टोरेंट तक पहुँच जाते हैं, उनके घर के बाहर पहुँच जाते हैं, एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, उनके जो है वो पिक्चर्स लेते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और फिर इस तरह जो है वो उन एक्टर्स को वायरल कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पेपराजीज हैं, ये इनको कैसे पता लग जाते हैं कि ये एक्टर जो है वो यहाँ जगह पर आया है, या ये एक्टर जो है वो अभी एयरपोर्ट पर जाएगा, या ये एक्टर जो है वो अभी रेस्टोरेंट जाएगा, या ये एक्टर जो है वो अभी जॉगिंग करने निकलेगा, अभी जिम जाएगा, इनको कैसे पता लग जाता है ये सब? आज मैं आपको बताती हूँ कि इन फेक पेपराजीज को कैसे पता लग जाता है कि ये एक्टर जो है वो अभी घर से बाहर निकला है और यहाँ पर गया है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनकी जो टीम होती है पेपराजीज की, उनको जो है वो कॉल करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं और उन्हें जो है वो कुछ अमाउंट पे करते हैं कि हम इस जगह पर जाएंगे, आप आकर जो है वो हमारी कुछ पोजेस लो और हम एक्टिंग करेंगे कि हम जो है वो इधर जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस तरह एक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके पीछे जो है वो कैमरामैन अचानक से आकर उनकी पोजेस की पिक्चर लेने लग गया है या वीडियो बनाने लग गया है, जबकि सेलिब्रिटीज़ को जो है वो पता होता है और वही सेलिब्रिटीज़ उन्हें अमाउंट पे करते हैं कि आपने इस जगह पर पहुँच कर जो है वो हमारी वीडियो बनानी है और हमारी वीडियो को वायरल करना है ताकि हमारी जो अपकमिंग मूवी आने वाली है वो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपराजी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया? तो ये पेपराजी जो है वो कोई एक रियल पर्सन नहीं है, ये एक मूवी का कैरेक्टर था जो 1960 में रिलीज़ हुई थी। उस मूवी का नाम था ला डॉल्सी वीटा। उसमें एक कैरेक्टर था पेप्स के नाम से। वो क्या करता था कि वो जितने भी रिच पीपल होते थे, हाई स्टैंडर्ड लोग होते थे, उनकी पिक्चर कैप्चर करता था और उन्हें वायरल कर देता था। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, उसी मूवी से। और इस तरह जो है वो पेपराजी इसने जो है वो पूरी इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा दिया है और धूम मचा दी है। और इसी तरह जो है वो सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लेते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और उन्हें जो है वो वायरल कर देते हैं। इस पेपराजी ने इतनी धूम मचा दी है कि चाहे वो हर कोई मोमेंट जो है वो कैप्चर करता है बॉलीवुड एक्टर्स का, चाहे उनका बेटा जो है वो स्कूल जा रहा हो, चाहे वो लंच पे जा रहे हों, चाहे वो जिम करने जा रहे हों, चाहे वो एयरपोर्ट जा रहे हों, छोटी से छोटी मोमेंट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं पेपराजी सेलिब्रिटीज़ की। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है।